सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 4 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से मरीजों के इलाज के लिए संसाधन विकसित किए गए हैं। अब अस्पताल में मरीजों को हर तरह का इलाज मिल सकेगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मरीजों को इसकी सौगात देंगे। राजस्थान में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जयपुर आज अपना 295वां जन्मदिवस मना रहा है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में कभी बनारस की भोर, प्रयाग की दोपहरी, अवध की शाम और बुंदेलखंड की रात जैसा नजारा दिखाई देता था, जो आज बेतहाशा आबादी और वाहनों की रेलम पेल के बीच गिरता नजर आ रहा है। हालांकि यहां के किले, महल, चौपट, चौकड़ियां और रास्ते जयपुर की विरासत को आज भी समेटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी आज कोटा जाएंगे। इस दौरान वे किसानों से प्रोसेसिंग पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के 12 प्रमुख आदि नाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे। काशी और तमिलनाडु के बीच आध्यात्मिक संबंधों पर संवाद के साथ ही काशी और काशी विश्वनाथ से वहां के जुड़ाव पर परिचर्चा करेंगे। इसके जरिए दक्षिण और उत्तर के उत्तरेतर संबंधों के साथ ही दोनों स्थानों की समानता को भी दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आज उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 18-19 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों की तरफ से इस बात पर चर्चा की जाएगी कि टेरर फंडिंग पर मौजूदा नियम कितने प्रभावकारी साबित हुए हैं। आगामी 20 नवंबर को नेपाल में चुनाव होने के कारण नेपाल से लगती उत्तराखंड की सीमाएं बंद रहेगी। 20 नवंबर रात 12 बजे तक पूरी तरह से सील रहेगी। इस दौरान सीमा पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय टीम आज से न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की 2020 सीरीज खेलेगी। पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।